प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमती राधा रानी की श्री महाप्रभु की जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव महाराज की श्री रघुपाद की श्रीमद्भागवतम स्कंद सात चैप्टर छ श्लोक क्रमांक एक धर्मान भगवतान्य दुर्लभं मानुषं जन्म तत् अपि अधुर्वं अर्थदम् कुमाराचरेत् प्राज्ञ धर्मान् भगवतान्य दुर्लभं मानुषं जन्मं तदपि अध्रुवं अर्थदम् कुमार आचरेत् प्राज्ञ धर्मान् भगवतान्य दुर्लभं मानुषं जन्मं तदपि अध्रुवं अर्थदम् कुमार आचरेत् प्राज्ञ धर्मान् भगवतान्य दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवं अर्थदम् कुमार आचरेत् प्राज्ञ धर्मान् भगवतान्य दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवं अर्थदम् श्री प्रहलाद उवाच प्रहलाद महाराज ने कहा कुमार बाल्यकाल में आचरेत अभ्यास करे प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति धर्मान
वृत्ति परक कर्तव्य भगवतान, जो भगवान के भक्ति है यह इस जीवन में दुर्लभम अत्यंत दुर्लभ मानुषम मनुष्य का जन्म जन्म तत वह अपि भी अध्रुवम नाश्वर अर्थदम अर्थ से पूर्ण। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सार उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रणाली चलाई जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसे कि भगवद गीता 2.40 में पुष्टि की गई है, स्व अल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म के पथ पर की गई अल्प प्रगति भी, थोड़ी सी प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक से घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्यों के निर्णय से संदर्भ न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर हो गई है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ने दे, इसके लिए गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें, और यदि भाग्यवश वो बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह से धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निसंदेह लोग कुकरों और सुकरों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख निम्न जीव योनियों में देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गंवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में ना जा गिरे। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम निहित है। सारे स्कूलों कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवद गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने, पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो। इस कलयुग के लिए भगवान भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरेर्णाम 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 केवलम कलेव नास्तेव 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 गतिरंगे। मनुष्य के लिए केवल मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा तो प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी बालकों को शिक्षा दे रहे हैं। हुआ क्या, प्रहलाद महाराज जब गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए और शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने पिता के पास गए तो पिताजी ने पूछा कि बेटा बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है। हिरण्यकश्यप को लगा कि बोलेगा कर वसूलना अच्छा लगता है, लड़ाई करना अच्छा लगता है, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, इस जीवन को मुक्त करने के लिए, इस जीवन को सफल बनाने के लिए एक और मात्र एक कार एक रास्ता है, वो है श्री विष्णु की भक्ति। जब हिरण्यकश्यप ने अपने शत्रु श्री विष्णु का नाम सुना तो तिलमिला उठा और पुनः वापिस प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में भेज दिया है। तो गुरुकुल में संड और अमरक जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं, ये दोनों प्रहलाद महाराज को शिक्षा दे रहे हैं। एक दिन की बात, संड और अमरक कुछ गृह कार्य हेतु बाजार गए और समस्त बालकों को कह दिया कि तुम इस दरमियान खेलो कूदो, जो करना है करो। समस्त बालक लग गए अपने अपने खेल कूद में, खेलने लगे, लेकिन प्रहलाद महाराज जो है उन खेल कूद में, इस भौतिक चीज़ों में कभी रुचि नहीं थी। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठकर अपने सभी सहपाठियों मित्रों को बुलाने लगे कि हे मेरे मित्रों, यहाँ आओ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। सब लोग प्रहलाद का आदर करते थे, सभी लोग आकर नीचे बैठे और प्रहलाद महाराज पेड़ के नीचे चबूतरे के ऊपर बैठे, कहा कि हे मेरे मित्रों, हमें जो ये कुमार अवस्था प्राप्त हुई है, हमारी जो ये बाल्य अवस्था है, आज हम लोग बच्चे हैं, तो ये बचपन के समय को यूं ही व्यर्थ गंवाने के लिए हमें नहीं मिला है। ये बचपन का समय ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में बिताना चाहिए। क्यों? प्रहलाद महाराज तत्व का निरूपण करते हुए कहते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म। हे मेरे मित्रों, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। 84 लाख की योनि काटने के बाद जलजा नव लक्षाणी स्थावार लक्ष्य विषंत थी। 9 लाख प्रकार के जन्म जल में होते हैं, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, कृमियों रुद्र की संख्या 11 लाख प्रकार की, और पक्षी नाम जो पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, वो 10 लाख प्रकार के, 30 लाख प्रकार के पशु होते हैं जो चार पाँव में चलने वाले होते हैं, एवं 4 लाख प्रकार के वानर होते हैं। तो जब ये सारे जीवन बीतने के बाद एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, एक बार मनुष्य देह प्राप्त होता है, विचार करिए मनुष्य देह कितना इम्पोर्टेंट है, कितना दुर्लभ है, और इतना मेहनत के बाद मनुष्य जीवन मिलता है और हम उसे ऐसे ही गवा देते हैं, खेल कूद में, मौज मस्ती में, और क्या है ये जीवन, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना, हम लोग ऐसे बोल के गवा देते हैं, खाओ पियो मौज करो। याद रखिए, अब यदि इस जीवन का मजा लोगे तो जीवन भी आपका मजा लेगा। जैसे कि कोई बच्चा होता है, कोई स्टूडेंट होता है, वो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए 1-2 साल से मेहनत करता है, ठीक है, अब मेहनत करने के बाद वो एग्ज़ाम सेंटर में बैठा हुआ है, पेपर आया उसके पास, क्वेश्चन आया, राइट डाउन करना है, अरे क्या एग्ज़ाम देंगे, मौज मस्ती करके बिता दो। तो यदि वो एग्ज़ाम को मौज मस्ती में बिताएगा तो एग्ज़ाम भी उसे मौज मस्ती में रख देगा। ये जीवन जो है ना, ठीक उसी प्रकार से है, हमारा जीवन जो है एग्ज़ाम है, हम लोग जो यहाँ 50-60 साल रहने वाले ना, ये एग्ज़ाम पेपर की तरह है, बस यदि हम इसको एग्ज़ाम की तरह एकदम मौज मस्ती में बिताएंगे इस जीवन को, फिर से हमें वहीं जाना पड़ेगा।
विचार कीजिए कितने मेहनत के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है और इतने इतने समय के बाद मनुष्य देह मिलता भी है। तो अध्रुवम, ऐसा नहीं है कि ये 100 साल तक रहेगा, ये कभी भी मर सकता है। इसलिए समय रहते हमें कृष्ण की भक्ति कर लेना चाहिए, वो भी कुमार अवस्था में। हे मेरे मित्रों, कुमार अवस्था में ही हमें भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब मिट्टी पक जाती है ना, घड़ा पक जाता है, तो उस पर कच्चा मिट्टी चढ़ाना मुश्किल हो जाता है, फिर वो घड़ा में मिट्टी नहीं चढ़ता। इसलिए हे मेरे मित्रों, जितनी जल्दी हो सके कृष्ण की भक्ति प्रारंभ कर दो। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई रोग, कोई सड़क दुर्घटना हो, इसका कोई भरोसा नहीं। हमारे गौड़ीय वैष्णव गोविंद दास जी लिखते हैं, ये मनुष्य जीवन कैसा है, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर बूंद होती है, पानी की बूंद, वाटर ड्रॉप। और जब हवा आता है तो जो ड्रॉप होता है, पानी का बूंद होता है, कभी इधर कभी उधर नाचते रहता है, पता नहीं कब वो नीचे गिर जाए। आपने देखा है कभी कमल का पत्ता? और नहीं तो हमारे इधर वो अरबी का पत्ता बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, तो अरबी के पत्ते पे भी वो बूंद ऐसे ही नाचता है, वो थोड़ा सा हवा आया तो इधर उधर पटक पटक दम घूमने लगता है। कब गिर जाए कब गिर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद होती है, कब हवा आए और ये गिरे उसका कोई भरोसा नहीं, वैसे ही कब काल आए और संसार के मनुष्यों को नष्ट कर दे, उसका कोई भरोसा नहीं, काल का कोई भरोसा नहीं। इसलिए कल की राह नहीं देखनी चाहिए, अच्छा विचार आए तो उसे तुरंत कर देना चाहिए, कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बड़े होंगे बूढ़े होंगे तब करेंगे, अभी ये क्या छोटी उम्र भक्ति करने के लिए है? अभी खेलो कूदो मौज करो, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, और जब बूढ़े हो जाए तब पूछो अरे अभी तो चल भी नहीं पाता हो, कहाँ से जाओ मंदिर में है? जाना है धाम में, अरे नहीं जा सकता, उतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है रेलवे स्टेशन पे, संभव नहीं है, घुटनों में दर्द है, भजन कहाँ से करूँ, 2 घंटे एक जगह स्थिर बैठ नहीं सकता, वो भजन कहाँ से करेगा है? क्या कथा सुनेगा? इसलिए बचपन से ही, कुमार अवस्था से ही हमें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि राम को राजा बनाऊंगा, बहुत सुंदर निर्णय लिया, इससे सुंदर निर्णय और कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन विचार तो बहुत सुंदर आया, लेकिन कल राम को राजा बनाऊंगा, आज नहीं। वशिष्ठ जी के पास गए, महाराज कल राम को राजा बनाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा कल क्यों, अभी बना दो। बोल नहीं, कल वो दिन पत्रा दिखा के थोड़ा तैयारी व्यारी करा के। वशिष्ठ जी ने कहा राम को जिस समय तुम राजा बनाओगे वही समय शुभ है, उनके लिए कोई समय अशुभ और शुभ नहीं, तुम अभी बना दो। बोले नहीं महाराज, कल बनाऊंगा। एक रात की तो बात है, और एक रात ने पूरी खेल ही बदल दिया। एक रात ने 14 वर्ष तक भगवान को वन में भटकाया है, एक रात ने राजा दशरथ के प्राण को हर लिया, वही एक रात ने तीनों रानियों के सिंदूर को मिटा दिया, एक रात ने 14 वर्षों तक अयोध्या में वसंत को आने नहीं दिया, उसी एक रात ने 14 वर्षों तक अयोध्या में सूर्य को उदय नहीं होने दिया, उसी एक रात ने 14 वर्षों तक अयोध्या में वसंत को नहीं आने दिया, उसी एक रात ने अयोध्या वासियों को 14 वर्ष तक मात्र और मात्र फलाहार कराया, बस एक रात ने। इसलिए अच्छे विचार आए तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए, बिना समय गंवाए। वास्तव में जीवन जा रहा है, ये घट रहा है, जब हम लोग बढ़ रहे हैं ना, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, भाई मैं 21 का हो गया, 25 का हो गया, तो ये उल्टा घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, जा ही रहा है। भजन भक्ति जो है वो आज और अभी कर लेनी चाहिए, मृत्यु के समय नहीं। कृष्ण तवदीय पद पंकज पंजरणांतम अदेव में विष्णु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पिते कंठावर्धोन विदो स्मरणम कुतस्ते। राजा कुलशेखर अलवार भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, हे मेरे प्रभु, मन मेरा मन रूपी हंस कब आपके चरण कमलों में लग जाए, क्योंकि प्राण का जब प्रयाण होगा मृत्यु का जब समय होगा तब कंठ गला कप पीत और वायु से भर जाएगा। मरता हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता, इसलिए एक व्रज के संत ने बहुत सुंदर कहा, क्या
क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली ना खिली। ये जीवन जो है क्षण भंगुर है, आज रात सोए कल उठे पता नहीं उठेंगे कि नहीं उठेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए रट ले हरि जीवा कृष्ण का नाम, तो फिर अंत समय फिर हिली ना हिली। हे जीवा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे जीवा, आज तू कृष्ण का नाम रट ले, अंत समय हिलेगी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। अतः प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कहते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्मम। हे मेरे मित्रों, ये जो मानुष जीवन है ये दुर्लभ है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं, वैदिक ज्ञान लो, वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। आज तो ज्ञान तो दिया जा रहा है कॉलेज और स्कूलों में, लेकिन वैदिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। और उन्हें लगता है कि ये जो साइंस है ये बहुत एडवांस है, है? लेकिन उनसे कई गुना ज़्यादा एडवांस हमारा भागवतम है, हमारा रामायण है, हमारा गीता है। जो अभी वो प्रूव कर रहे हो, हमारे गीता वेद पुराण में पहले लिखा हुआ है। न्यूटन ने अभी पता किया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड सेम एंटी रिएक्शन, और भगवान श्री कृष्ण गीता में पहले ही करके चले गए। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कि अभी वो पता कर रहे हैं, और हमारा वेद शास्त्र पहले से ही बता चुका। तो मैं अपने बच्चों को वैदिक ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। साइंस जो है वो क्या है? साइंस जब तक कोई चीज़ प्रूफ नहीं होता, अब भाई ये सांप है तो ये कोई जान रहा है, प्रभु जी बता रहे हैं सांप छूओगे तो काट देगा, लेकिन ये साइंस नहीं मानेगा। साइंस जाएगा उससे कटाएगा, मरेगा तब मानेगा, भाई सांप काटने से मर जाता है, ये है साइंस। तो साइंस पूर्ण नहीं है, लेकिन हमारा जो वेद है, जो भगवत गीता है, जो भागवतम है, वो परिपूर्ण है। यदि उसे पढ़ लेते हैं तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर विवेक बिंद्रा है ना, उनका मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो जब वो MBA कर रहे थे तो बोले कि मैं कुछ और नहीं पढ़ा। क्या पढ़े प्रभु जी? मैं सिर्फ ये भगवत गीता पढ़ा और सारा कुछ मेरे देखो मुझे डिस्टिंक्शन आया है, अच्छे मार्क्स आए हैं। कैसे? और कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा। वो खुद बोल रहे थे कि मैं और कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा, बस भगवत गीता पढ़ा और इससे सब कुछ आ गया। तो ये जो भगवत गीता है, भागवतम है, साइंस से भरा हुआ है। साइंस बहुत पीछे है और भगवत गीता हमारा भागवतम बहुत आगे है। अनेक एग्जाम्पल है, मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ आपको। कपिल देव, भगवान कपिल देव माता देवोती को कहती है, समझाते हैं कि किस प्रकार से एक बच्चे का जो है अन्न उपार्जन होता है, अंग माँ के गर्भ में, किस महीने में कौन सा अंग बनता है, किस महीने में हाथ बनता है, किस महीने में पाँव बनता है। डिट्टो आप उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या करके निकालते हैं, क्या निकालते हैं प्रभु जी? हाँ, अल्ट्रासाउंड करके देख लो, एक इंच का भी फर्क नहीं होएगा, सेम डिट्टो, कुछ चेंजिंग नहीं। जो कपिल देव भगवान ने बोला है कि इस महीने में नाखून आती है तो उस महीने में बाल नहीं आएगा, यदि भगवान ने बोला भाई बाल आता है तो ही आएगा, अब देख लो कोई चेंज नहीं है। बहुत सारे हैं, साइंस ने भी पता कर रहा है कि और भी जो है पृथ्वी है, और भी दुनिया है, और भगवान श्री कृष्ण पहले ही बता चुके हैं और दुनिया है। जब ब्रह्मा जी को घमंड हुआ कि मैं ही सृष्टि का करता हूँ, तो भगवान ने 1000 ब्रह्मा को बुलाया, दिखाया देखो तुम्हारे जैसे कितने हैं। तो साइंस बहुत पीछे है, ये वैदिक ज्ञान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हाथ में, वैदिक ज्ञान को हमें ग्रहण करना चाहिए। अतः हे मेरे मित्रों, वैदिक तत्वों को जानते हुए हमें ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बच्चों को ब्रह्मचर्य का शिक्षा ना देकर माताओं को ही निर्देशन दिया जाता है कि आप गर्भ में ही बालक को मार दो। सोचिए कितना बड़ा पाप है, ये कोई मर्डर से कम नहीं है, ये मर्डर ही है, एक तरफ का मर्डर ही है। यदि एक बालक को शिक्षा रहे, ज्ञान रहे कि हमें क्या करना है, तो फिर ऐसी नौबत ही क्यों आए। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वैदिक ज्ञान की बहुत जरूरत है, और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैदिक ज्ञान समस्त लोगों को चाहिए, यदि वो ऐसा वैदिक ज्ञान लेंगे तो गलत कार्य नहीं करेंगे। और ये जो वैदिक ज्ञान है, थोड़ा सा जो भी है,
ये बहुत बहुत पापों से, बहुत बहुत संकटों से श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहे हुए हैं कि जो वैदिक ज्ञान है ये बहुत सारे पापों से, बहुत सारे संकटों से हमें बचाने वाला है। इसलिए हमें इसका, इस वेद का, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अतः प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी मानकों को कहते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्मम, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये फिर से नहीं मिलने वाला है, बार बार नहीं मिलने वाला है। यही बात सामवेद में भी कहा गया है, कई जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से मनुष्य का शरीर मिलता है और ऐसे नहीं मिलता है। और यही बात भगवान श्री रामचंद्र अयोध्यावासी को कहते हैं। श्री रामचंद्र अयोध्यावासियों को उपदेश देते हुए कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संत रुगावा, सुर दुर्लभ मुनि संत रुगावा। ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ कि मनुष्य जीवन आज हमें सुलभ हो गया है, लेकिन ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है कि बड़े बड़े देवी देवताओं को भी ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। ये मनुष्य जीवन साधन का धाम है, इस मनुष्य जीवन से हम साधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, मोक्ष कर द्वारा, ये जो मनुष्य जीवन है मोक्ष का द्वार है। हम लोग द्वार पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बस खाली दरवाजा नॉक करना है और खोलना है। ये मनुष्य जीवन जो है एक खुद ब खुद ये मोक्ष का द्वार है, हमें कहीं जाना नहीं है, हम पहुंचे हुए हैं, बस खाली नॉक करना है और नॉक करके उस दरवाजे को खोल देना है। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि आप मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए, ये तो वैसा ही है जैसे कि मंजिल पर पहुंच के उसके दरवाजे को नहीं खोला, वापिस लौट गए, वैसा ही है ये मनुष्य जीवन। हम ऑलरेडी मुक्ति के दरवाजे पे हैं और दरवाजा खोल के अंदर नहीं जा सके तो क्या हुआ, वापिस ही आ गए ना। 84 के चक्कर से मुक्ति मिल जाने के लिए ही ये जीवन मिला है, ना कि फिर वही 84 के चक्कर में पड़ जाने के लिए। जब एक जीव 84 लाख के योनियों में भटकते रहता है, भटकते भटकते भगवान के हृदय में करुणा होती है, और उस करुणा के कारण भगवान उसे मनुष्य शरीर दे देता है। ऐसा नहीं है कि हमें ये मनुष्य शरीर जो है अपने बलबूते पे मिला है, हमें किया तो हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। इस मनुष्य शरीर बनाया भगवान ने, और इसके पीछे एकमात्र कारण है भगवान की अकारण करुणा। तो ऐसा मनुष्य शरीर प्राप्त करके, कैसा है ये मनुष्य शरीर, बोले भव सागर में डूबते हुए नौका के समान है। ये संसार जो है समुद्र के समान है, जैसे समुद्र में जल की अथाह मात्रा में जल होता है, इस संसार में वैसे ही दुख भरा हुआ है, अथाह दुख भरा हुआ है, और इस दुख रूपी संसार में हम लोग गोताखा रहे हैं, हम लोग डूब रहे हैं, और डूबते हुए किसी को नौका मिल जाए तो कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। ठीक उसी प्रकार 84 लाख की योनियों में गोता लगाते लगाते मनुष्य जीवन रूपी नौका हमें प्राप्त हो गई है। ये मनुष्य शरीर इस भवसागर को पार कराने के लिए नौका के समान है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो इस नौका के ऊपर सवार हो जाता है, लेकिन नौका मिल जाना ही बड़ी बात नहीं है। उस नौका में बैठ गए तो जाएं किधर, समुद्र में तो चारों ओर पानी है, वैसे हमारे जीवन में तो चारों ओर पाप है, इधर जाओ तो दारू मिल रहा है, इधर जाओ तो मांस मिल रहा है, उधर जाओ तो और कुछ, इधर जाओ तो और कुछ, क्या जाए, चारों ओर तो कुछ ना कुछ है ही है? अथाह मात्रा में जैसे दुख है, अथाह मात्रा में जैसे जल है, वैसे अथाह मात्रा में दुख है इस संसार में। ये मनुष्य शरीर इस भवसागर को पार कराने के लिए नौका के समान है। बुद्धिमान व्यक्ति इस नौका में बैठ जाता है, भवसागर पार करने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिल गया, लेकिन इस नौका को निर्देशन करने के लिए, इस भवसागर को पार करने के लिए
करंधार नाविक रूपी गुरु को हमें धारण करना होगा, तभी हमारी जो नौका है वो भव सागर से पार हो सकता है। जैसे बिना नाविक के नौका पार नहीं लग सकती, वैसे ही बिना गुरु के हम भव सागर पार नहीं कर सकते। सर्वप्रथम गुरु ग्रहण करें, शुद्ध गुरु के शरण में जाएं और उनके मुख से भागवत कथा श्रवण करें। जैसे रेलगाड़ी की दो पटरियां होती है, लेकिन दोनों पटरियां एक ही रेल को चलाती है, दोनों ऐसा थोड़ी कि दोनों अलग अलग रेल को चलाती है, एक ही रेल को चलाती है ना, दोनों ट्रैक एक ही रेल को चलाती है। वैसे ही हमारे जीवन को, हमारे भक्ति को चलाने के लिए भगवान और गुरु दो ट्रैक है जिसपे हमारी भक्ति चल रही है। यदि एक भी ट्रैक हम छोड़े तो जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है वैसे हमारी भक्ति गिर जाएगी। कोई कहे कि हम भगवान को सिर्फ पकड़ के रखें तो, कोई कह दिया हम सिर्फ गुरु को पकड़ के रखें तो, संभव नहीं है, दोनों चाहिए। और कई बार कुछ लोग गुरु के पास जाते तो हैं लेकिन कुछ अन्य उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? कि गुरु जी हमें कोई ऐसा फल दे दे जिससे मुझे इतना धन मिल जाए, गुरु जी मेरे पीठ पे हाथ रख दे जिससे मेरा ये काम हो जाए। ध्यान रहे, गुरु के पास जब जाएं तो मात्र एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो है गुरु के मुख से उपदेश सुनी जाए। गुरु अपने वाणी से ही अपने शिष्य को सपोर्ट कर सकता है। गुरु मुख पद्म वाक्य चीते तो करिए एक, सवेरे हुआ होगा गुरु पूजा में गाए होंगे आप लोग, नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखे हैं। गुरु के मुख से निकले हुए वाक्य ही संसार के जीवों के हृदय को शुद्ध कर सकता है। इसलिए गुरु के मुख से भगवत कथा श्रवण करना चाहिए। श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने भावार्थ दीपिका में भागवत जी की टीका में लिखा है, इस संसार में सबसे बड़ा कार्य है एक छत के नीचे बैठकर ज्ञान करना, ज्ञान ग्रहण करना। जैसे अभी हम लोग सब एक छत के नीचे बैठकर ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है। और उससे भी बड़ा कार्य है कृष्ण के विषय में ज्ञान ग्रहण करना, भगवान श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान ग्रहण करना, ये बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है भागवत के द्वारा कृष्ण के विषय में ज्ञान ग्रहण करना। और उससे भी बड़ी बात है किसी वैष्णव के मुख से, किसी भक्त के मुख से भागवत कथा का श्रवण करना। और अंत में लिखते हुए कहते हैं, उससे बड़ा कार्य, जिससे बड़ा कार्य इस दुनिया में कोई नहीं है, वो है किसी शुद्ध भक्त के मुख से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना। ये है जीवन का सबसे बड़ा कार्य। श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखे हैं, यदि कोई शुद्ध भक्त भागवत कथा सुनाने के लिए बैठा हो तो जीवन के सारे कार्य छोड़ के, कितनों ही इंपॉर्टेंट कार्य हो, उस कार्य को छोड़कर उस समय भागवत सुन लेना चाहिए। वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सबसे श्रेष्ठ कार्य। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, मैं तो बहुत ही नीचे हूँ अभी, लेकिन मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ वो श्रीमद्भागवतम के और हमारे गुरु महाराज श्री श्री हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज के वचन हैं और हिचकृष लाल गोविंद प्रभु जी के वचन हैं। मैं तो मात्र वो स्पीकर के तरह, वो जो स्पीकर है ना ब्लैक कलर का, वो ब्लैक कलर के स्पीकर की तरह मैं आपको सुना रहा हूँ, दैट्स इट, मेरा कुछ भी नहीं। ये आप उनके ही मुख से सुन रहे हैं और वे निश्चित श्रेष्ठ भक्त हैं। तो इसलिए जीवन में जब कोई शुद्ध भक्त भागवत कथा सुनाना बैठा हो तो तुरंत सारे कार्य को छोड़कर हमें भागवत कथा सुन लेना चाहिए। और भागवत के प्रारंभ में ऋषि मुनियों ने अपने आचरण से हमें दिखाया, सिखाया, यज्ञ करने बैठे थे 1000 वर्ष तक यज्ञ करेंगे और इस कलियुग को दबा देंगे, अनुष्ठान ले चुके थे, आहुति डाल चुके थे, शुरू हो चुकी थी यज्ञ, ओम स्वाहा स्वाहा शुरू हो चुका था। लेकिन जैसे ही सुना शुद्ध गोस्वामी महाराज आ रहे हैं, ऋषि मुनियों ने अपने यज्ञ को मिट्टी डालकर बंद कर दिया और शुद्ध गोस्वामी के मुख से भागवत कथा श्रवण की। भागवत सुनने के लिए ऋषि मुनियों ने अपना यज्ञ बंद कर दिया। यद्यपि यज्ञ करना ऋषि मुनियों का स्वाभाविक कर्म है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि ऋषि मुनियों का यज्ञ जो है, यज्ञ का हवन, कभी बंद नहीं होना चाहिए और जलते हुए रहना चाहिए। लेकिन फिर भी ऋषि मुनियों ने जब देखा कि शुद्ध गोस्वामी महाराज आए हुए भागवत कथा सुनाने के लिए, शुद्ध गोस्वामी महाराज इधर से आ रहे हैं, सुन रहे ना, सुनाई पड़ रहा है सबको, तो जब
सुत गोस्वामी महाराज इधर से आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने सुना तो अपने यज्ञ यज्ञ में यज्ञ कुंड में मिट्टी डाल के उस यज्ञ को बंद कर दिया और महाराज के मुख से भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। हमें इन ऋषि मुनियों से सीखना चाहिए कि जीवन के सारे कार्य छोड़कर भी भागवत सुन लेना चाहिए, जाने फिर समय मिले या ना मिले। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। मनुष्य तन, मनुष्य का शरीर मिला है बहुत बड़ा भाग्य है। सुर दुर्लभ, बड़े बड़े देवताओं की भी दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन मिलना, सबको नहीं मिलता है। और हम क्या करते हैं ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त करके, गांजा पीते हैं, बांग खाते हैं, दारू पीते हैं, और भी जाने क्या क्या गलत कार्य करते हैं, मैं बोल नहीं सकता। क्या हमें ये जीवन इसलिए मिला है कि हम दारू पिए बैठ के, अफीम खाएं, शराब पिए, इसलिए हमें ये जीवन मिला है? भगवान का भजन करने के लिए ये जीवन मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान सोई प्राणी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भगवान की भक्ति नहीं करते ना, वो मनुष्य मनुष्य नहीं, जिंदा लाश के समान है। तुलसीदास गोस्वामी महाराज ने कह दिया, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो मनुष्य मनुष्य नहीं, वो तो लाश है, लाश, उसका कोई वजूद नहीं, मृत्यु देह के समान है। बस फर्क इतना है कि मृत्यु देह को चार कंधों पे लेके जाया जाता है, ये खुद अपने दो पांव पे चलते हैं, बस इतना ही फर्क है, नहीं उसमें और लाश में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है वह उद्देश्य तो हम कर नहीं रहे हैं। इस शरीर की रचना हुई है भक्ति करने के लिए, लेकिन हम भक्ति को छोड़कर बाकी सारे कार्य कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे। इस जीवन मिला है हमें भक्ति करने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, बाद बाकी सारे कार्य से कर लेते हैं, भक्ति छोड़कर बाद बाकी सब कर लेना है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि आई एम अ साइंस स्टूडेंट, मैं भगवान को नहीं मानता। भगवान को क्यों मानूं भाई, भगवान दिखते हैं हमें, है? भगवान कहाँ है, दिखाओ। उसे बोलो अब तो हवा भी नहीं देखते हो भाई, फिर सांस क्यों ले रहे हो, छोड़ दो लेने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि जो आप नहीं देखे हैं वो नहीं है। यहाँ से कितने लोग जापान गए हुए, कोई है जो जापान गए हुए, नहीं, आपने जापान नहीं देखा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जापान का अस्तित्व नहीं है, जापान नहीं है, जापान है ना, है कि नहीं है। लेकिन हमने तो नहीं देखा तो हम मानते भाई जापान है ही नहीं इस दुनिया में, ये तो खाली ऐसे बोलते हैं लोग, है? ठीक उसी प्रकार से यदि तुम नहीं देखे हुए हो फिर भी भगवान है। जापान के बारे में हम पढ़ते हैं इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे श्रीमद् भागवतम सर्च करो कितना सारा मिलता है, कृष्ण भगवान का नाम डालो कितना सारा मिलता है, सबसे ज़्यादा तो उनके नाम से ही मिलता है गूगल पे, है सर्च करो, वो विश्वास नहीं, ये विश्वास नहीं होता। जापान है ये विश्वास है, नहीं देखा है फिर भी विश्वास है, लेकिन भगवान है नहीं देखा तो नहीं विश्वास है। मतलब ऐसा है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं बस वही चीज़ है, दूसरा चीज़ नहीं। हवा हम नहीं देख रहे तो मतलब हवा नहीं है, नहीं बोल सांस ले रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कुछ थेसिस प्रस्तुत करते जिसका कोई मायने नहीं, कोई वजूद नहीं रखते। बोलते साइंस बहुत आगे है, वेद पुराण तो पुरानी चीज़ है। भाई बैठो मेरे सामने, मैं बताता हूँ कितना साइंस पीछे है और कितना भागवतम आगे है। तो शरीर की रचना हुई है भक्ति करने के लिए और हमें शरीर से भक्ति करनी चाहिए। अतः प्रहलाद महाराज की बात को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है और उसमें भी अध्रुवम इसका कोई निश्चित नहीं है। अतः आगे कहते हैं, यथा ही पुरुषस्य विष्णु पाद उपसर्पणम आदेश सर्वभूताणाम प्रिय आत्म ईश्वर सुहृदो। हम सब लोग को चाहिए कि बुद्धिमान होकर शास्त्र का ज्ञान करें, शास्त्र का ज्ञान ग्रहण करें, शास्त्र के ज्ञान को ग्रहण करके शास्त्र के अनुसार भगवान की भक्ति करने का प्रयास करें। प्रहलाद महाराज बार बार यही बात कर रहे हैं कि शास्त्र का ग्रहण करें, अध्ययन करें, शास्त्र का ज्ञान का ग्रहण करें। क्यों कह रहे हैं भाई, कुछ तो होगा है? तो प्रहलाद के जो सहपाठी थे उसने पूछा, प्रहलाद तुम कहते हो कि कृष्ण की भक्ति करो, तो यदि कृष्ण की भक्ति करेंगे तो ऑफिस कौन जाएगा,
कृष्ण की भक्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तुम दुखी हो जाएंगे, खाना कौन देगा हमें? यही प्रश्न जब 84,000 ऋषि मुनि यज्ञ करने बैठे थे तो उसमें भी उठा था कि हम 1,000 वर्ष तक यज्ञ करने के लिए बैठ रहे हैं, इतने वर्षों तक हमें खाना कौन देगा, कपड़ा कौन देगा? तो जो उस ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि थे शौनक ऋषि, उन्होंने बताया कि भगवान का एक नाम है, क्या नाम है? विश्वांबर, जो पूरे जगत का, पूरे विश्व का भरण पोषण करते, जो उनकी भक्ति करते उनका भी, जो उनकी भक्ति नहीं करते उनका भी। तो हम तो भगवान का कार्य करने के लिए बैठ रहे, हमारे तो भरण पोषण करेंगे प्रभु, इसलिए टेंशन फ्री हो के यज्ञ शुरू कर दो। तो वैसे ही कृष्ण की भक्ति यदि हम करेंगे तो ऑफिस कौन जाएगा, बच्चों को स्कूल कौन पहुंचाएगा, है? यदि हम ऐसा करेंगे तो हम तो दुखी हो जाएंगे प्रहलाद। कृष्ण की भक्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग दुखी हो जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, सुखम इंद्रियकम देत्य देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवा यथा दुखम अयत्नथ। इस संसार में सभी लोग सुखी होने का प्रयास करते, तो क्या सब लोग सुखी हो पाते? संसार में सब लोग सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सब लोग सुखी नहीं हो पा रहे। सुखी होने का प्रयास करने के बावजूद भी हमारे जीवन में दुख आ रहा है। दुखी होने के लिए कोई मेहनत नहीं करता है लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख आ रहा है। आपने कभी सुना है कि सवेरे सवेरे उठ के कोई काम कर रहा है, क्यों काम कर रहे हो भाई? दुखी होने के लिए काम कर रहा हूँ। ऑफिस जा रहे, कहाँ जा रहे हो भाई? दुखी होने के लिए ऑफिस जा रहा हूँ। कभी सुना है? सब सुख की प्राप्ति के लिए ऑफिस जा रहे हैं, सब सुख की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। और पूछो भाई कैसा है? यार बहुत टेंशन है, पूरा परेशान हो तो क्या कहो, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जीवन में अत्यंत कष्ट भरे हुए हैं। और दुख के लिए कोई प्रयास नहीं किया, उसके जीवन में जो दुख आया है वो ऑटोमेटिक आ गया है। वो ऑफिस जा रहा है सुखी होने के लिए, कार्य कर रहा है सुखी होने के लिए, बच्चों को पढ़ा रहा है सुखी होने के लिए, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सुख से ज्यादा दुख है। बिना मेहनत किए जैसे जीवन में दुख आ रहे हैं, वैसे बिना मेहनत किए इस जीवन में सुख आ जाएगा। यदि कर्म में लिखा है तो वो आएगा, इसके लिए अति मेहनत, महा मेहनत, अति प्रयास इस सुख को पाने के लिए नहीं करना चाहिए। वो अति प्रयास और महा मेहनत भगवान की भक्ति करने के लिए होनी चाहिए और वह भगवान की भक्ति बचपन से करनी होगी। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि वो बच्चा बच भी जाता है माँ के गर्भ में, तब यदि वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे मात्र एक ही शिक्षा दी जाती है, क्या? इंद्रिय तृप्ति का सुख। बेटा ये मैं तो नहीं कर पाया, तुम जरूर करना। वो भी नहीं करेगा, बेटा ये काम मैं नहीं कर पाया, तू जरूर करना, है? चलते रहेगा, चलते रहेगा। सोचो कितना सुख है, फिर भी बेटा मेरे से नहीं हुआ, तुम तो जरूर करना। अपने पूरे जिंदगी में पूरा वो प्रभु जी सुनाते हैं ना, श्याम गोपाल प्रभु जी, क्या वो कौन सा था प्रभु, सर्कस वाला, 25 पैसे में सर्कस, 25 पैसे में सर्कस। तो घुसते गए, मारता गया, मारता गया बाहर, अरे बहुत मस्त था, बहुत मस्त है। तो वैसा ही है, तो जैसे उस सर्कस है, उस सर्कस में लोग जाते हैं, लाइन लगा के अंदर घुसते हैं, मार खा खा के बाहर आते हैं, और आने के बाद बोलते बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, और फिर दूसरे को भेज देते हैं। वैसे ही हम अपने जीवन में पूरा लात घुसा खा रहे हैं, माया देवी के पूरा कुटा रहे हैं हम, और अपने बच्चों को भी मारने के लिए भेज देते हैं। बेटा हम नहीं कर पाए, तुम जरूर करना, हमको इतना ही मिला, तुमको और ज्यादा पड़े। तो जैसे वो सर्कस चल रहा था और अंदर मार रहा था, तो सर्कस तो पर्दे के अंदर होता है ना, पंडाल बना होता है उसके लिए, पंडाल बना होता है, उस पंडाल के अंदर होता है, उसके अंदर कोई देख नहीं पाया। तो मान लो कोई छोटा सा बच्चा गया और पंडाल उठा के, अरे ये तो कुटा रहा है यहाँ पे, इसको तो पड़ रहा है। इसको तो मार पड़ रही है। तो बाहर निकल के बोले, और जो बचे हुए आदमी लोग हैं वो तो जो खा के आए वो तो निकल गए,
जो मार खा के वो तो निकल गए, लेकिन जो बचे हुए हैं भाई मैं जाऊंगा, खूब एक्साइटेड है, 25 पैसे में सर्कस है, जाऊंगा जाऊंगा है, खूब एक्साइटेड है। उनको आके बोले वो बच्चा, अरे भाई मत जाओ, वह मार पड़ रही है, उसके बाद विश्वास होगा? ये तो बच्चा है यार, उतने बड़े बड़े लोग कह के गए कि बहुत अच्छा सर्कस है, बहुत अच्छा सर्कस है, है? तो बच्चे की बात पे क्यों विश्वास करेंगे? और बच्चा क्या किया था, उस पंडाल के पर्दे को थोड़ा सा हटा के देख लिया कि वहाँ पे मार पड़ रही है। वैसे प्रहलाद महाराज क्या किए हैं, थोड़ा सा पर्दा हटा के देख लिए, माया का पर्दा हटा के देख रही है, माया में देखे ये है, माया का पर्दा हटा के देखे यहाँ पे सुख है, तो वो अपने मित्रों को करने के लिए बोल रहे हैं। तो हमें भी वैसे ही अपने बच्चों को बोलना चाहिए, भाई ऐसा ये गलत है, इस रास्ते पे मत जाओ, भगवान की भक्ति करनी जरूरी है, ठीक है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है, बनो तो है, लेकिन उसके साथ साथ भक्ति करनी और भी जरूरी है, भक्ति ज़्यादा जरूरी है। हमें अपने बच्चों को ऐसा गाइड करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेटा हम नहीं कर पाए तुम जरूर करना, है मेरे से नहीं हुआ तुमसे जरूर होगा, फिर वो बोलेगा मेरे से नहीं हुआ तुमसे जरूर होगा, ऐसे चलते रहेगा, लात घुसा खाते रहेगा। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि बचपन से ही भक्ति होनी चाहिए, बचपन से की गई भक्ति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे मेरे मित्रों, बचपन से ही भक्ति करो, यदि आप बड़े हो जाओगे तो भक्ति करने का फिर अवसर कहाँ मिलेगा। प्रहलाद महाराज इसी चैप्टर के श्लोक 13 में कहते हैं, 13 में, कथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्यम रुचिराण च मंत्राण सुहृत्सो तत्नेहशित शिशुणाम कल अक्षराणाम अतुरक्त चित्त। बड़े होकर कथम कैसे भक्ति कर पाओगे, इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैसे भक्ति करोगे? क्योंकि जब आप बड़े होगे आपकी पिताजी शादी करवा देंगे कोई अच्छी सी लड़की देखकर, अब उस लड़की की तुम मांगे पूरी करते रहो, कैसी भक्ति करोगे है? और शादी करने के बाद नई नवेली दुल्हन घर पर आएगी, एकांत में रेस्ट में दोनों बैठे हुए होंगे और तुम पानी मंगवाओगे तो दूध लेके आएगी, इस स्थिति में कैसे भक्ति कर पाओगे है? उस समय पत्नी की मीठी मीठी बातें करेंगे और उस पत्नी की मीठी मीठी बातें सुनकर कहाँ भगवान याद आने वाले हैं, भगवान तो बाजू में रहे, पत्नी भी सामने आ गई। और विवाह होने के बाद फिर बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के मीठी मीठी बारे में है, पप्पा पप्पा, कहाँ आने वाले हैं भगवान याद, वहाँ पे याद आएंगे नहीं याद आएंगे? उस तोतली बोली के सामने भगवान याद नहीं आएंगे। और फिर बच्चे को स्कूल में पढ़ाना लिखाना, कपड़े पहनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, बड़ा करना, शादी कराना, फिर फंसे रहो उसी चक्कर में, उसमें भी कन्या हो तो अच्छी घर में गई होगी कि नहीं, कैसा होगा, पूरे लाइफ टेंशन, बस अपने ही बनाए हुए घर में व्यक्ति फंस जाता है, अपने ही बनाए हुए जंजाल में व्यक्ति फंस कर रह जाता है। कहते हैं, हम कहते हैं भक्ति करो, कहते प्रभु जी हम तो फंसे हुए हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, है? तो तुमको कौन बांधने के लिए आया था, ब्रह्मा जी आए थे बांधने के लिए? तुम तो खुद से बंधे हुए हो ना भाई। मुझे घटना याद आ रही है, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद, मालूम है स्वामी विवेकानंद? तो एक दिन वो रामकृष्ण परमहंस के पास आए और कहे, महाराज मुझे ना इस जंजाल से माया मुझे पकड़ के रखा है, आप मुझे यहाँ से मुक्त कराओ, बहुत मैं परेशान हूँ, बहुत दुख सुनाया उन्होंने। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे, इन्होंने बोला, नरेंद्र, उनका नाम बचपन में नरेंद्र था, नरेंद्र तुम कल आना, टाइम बता दिया, इस टाइम पे आना। तो आए और क्या देखता है नरेंद्र जी, क्या देखते हैं स्वामी विवेकानंद, कि जो रामकृष्ण परमहंस है वो एक ऐसा खंभा था, खंभा है ना, ऐसा खंभा था और उस खंभे को ऐसे करके पकड़ कर हाथ में, वो मुड़ी होता है ना, बंगाल में मुड़ी बहुत फेमस है, मुड़ी, तो मुड़ी को लेके खड़ा था ऐसे करके। तो जब जैसे ही स्वामी विवेकानंद अंदर आए, बोले, अरे मुझे बचाओ बचाओ, ये खंभा पकड़ के रखा है, मुझे बचाओ बचाओ, छुड़ाओ मुझे इससे, नरेंद्र मुझे बचाओ। स्वामी विवेकानंद हंसने लगे, बोले, महाराज आपको कहाँ ये खंभा पकड़ के रखा है, आपने ये खंभा को पकड़ के रखा है। तुरंत महाराज छोड़ दिया, परमहंस ने बताया, यही तो मैं तुम्हें बोलना चाह रहा था कि उसने तुम्हें पकड़ के नहीं रखा, तुम उसे पकड़ के रखे हुए हो, है?
अतः तुम्हें जो करना है, तुम जो माया से मुक्त होना चाहते हो करो। प्रहलाद महाराज दृष्टांत देते हैं, जैसे रेशम का कीड़ा तेज तित कोशम कृत एवं ईमान। रेशम का कीड़ा जब घर बनाता है तो अपने मुख से लार निकालता है और उस लार से ही घर बनाता है, अपने लार ग्रंथि से ही घर बनाते हुए जाता है, जाल जैसा बनाया जाता है, आजू बाजू चारों तरफ घर बनाता है, इधर बेडरूम इधर बाथरूम इधर किचन चारों ओर घर बनाता है। वो घर बनाते बनाते इतना मतलब उसे मशहूर हो जाता है, इतना मगन हो जाता है कि उससे निकलने का रास्ता ही नहीं छोड़ता है, और उसी घर में फिर वो तड़प तड़प कर मर जाता है। वैसे ही संसार का व्यक्ति है, अपनी ही बुद्धि से बनाए हुए घर में, अपनी ही बुद्धि से बनाए हुए जंजाल में फंस कर और तड़प तड़प कर मर जाता है, ना भक्ति कर सकता है ना ध्यान। और कभी कभी तो कुछ लोग समाज के डर से भी भक्ति नहीं करते हैं, बोले हम लोग कृष्ण की भक्ति करोगे, समाज वाले क्या कहेंगे, प्रभु जी क्या कहेंगे, हैं समाज से डरते। क्या देता है ये समाज, दुख के अलावा और कुछ नहीं देता है ये समाज। एक संत तो बहुत सुंदर कहते हैं, इस समाज कैसा है, आप अपनी दृष्टि सीधी रखकर चलोगे तो ये समाज कहेगा, समाज वाले कहेंगे देखो इसकी आंखें कैसी है, अपनी बहन बेटियों के ऊपर नजर डालता है। समाज वालों की बातें सुनकर आप अपनी आंखों को ऊपर करके चलोगे तो ही समाज वाला कहेगा कितना अभिमान चढ़ गया है इसको, देखो आंखें नीचे ही नहीं होती। अब वही समाज वाले की बातें को सुनकर आप अपनी आंखें नीचे कर लोगे तो वही समाज वाला कहेगा जरूर कुछ गलत काम करके आ रहा है, ऊपर रखे तो भी कष्ट, नीचे रखे तो भी कष्ट, सीधे रखे तो भी कष्ट। और फिर वही समाज वालों की बातें सुनकर आप अपनी दोनों आंखें फोड़ दो तो फिर समाज वाले क्या कहेंगे, किए हुए कर्मों का फल भुगत रहा है। ये समाज, आज हाथी के मांडी के ऊपर बिठाएंगे, कल गधे के ऊपर बिठाएंगे, ये समाज, आज प्रशंसा करेंगे और कल गाली देंगे, ये समाज। दुख देने वाले हमारे अपने ही हैं। एक संत बहुत सुंदर एक कथा कहते हैं, गधा होता है ना गधा, मालूम है गधा, देखा है? तो एक हस्बैंड और वाइफ थे, तो दोनों जा रहे थे, तो दोनों बैठ के जा रहे थे उस गधा के ऊपर। तो एक गांव से जब पार हो रहे थे, गांव वालों ने कहा कितने बेशर्म लोग हैं, ये गधा कितना छोटा सा है और इसके ऊपर दोनों बैठ गए। तो क्या वो पति बेचारा उतर गया और पत्नी को बिठा के चलने लगा। थोड़ी देर के बाद कुछ औरत मिली, कैसी बेशर्म औरत है, अपने पति को पैदल चला रही है और खुद बैठी हुई है। अभी क्या हुआ, वो पत्नी बेचारी नीचे उतर गई, ये पति बेचारा ऊपर चढ़ गया। थोड़ी देर गए तो कुछ लोग मिले, कितना बेशर्म आदमी है यार, है औरत कमजोर होती है उसे बिठा के चलना चाहिए, है तो फिर ये देखो औरत कोई चल रहा है, औरत कोई पैदल चला रहा है, अपनी वाइफ कोई पैदल चला रहा है। तो क्या हुए, दोनों उतर गए। तो जब थोड़ा सा आगे गए तो गांव वाले बोलते कितना मूर्ख लोग हैं यार ये लोग, देखो गधे का जो यूज होता है वो पता ही नहीं, कितना आराम से दोनों बैठ के जा सकते थे। हैं शुरू से दोनों बैठ के आ रहे थे, उसमें बोलते कि ये गधा इतना कमजोर है, इसके ऊपर दोनों बैठा है, पति बैठा तो पत्नी निर्जीव है, पत्नी बैठी तो पति निर्जीव है, और गधे को यदि खाली छोड़ दिया तो गधे का यूटिलाइजेशन ही नहीं जानते ये लोग। यही है समझ, अतः बाल्यावस्था में ही हमें भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भगवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म तत्पि अध्रुवम अर्थ। इस बचपन से ही भक्ति करो, ये मनुष्य जीवन नाश्वर है। हरे कृष्ण श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमती राधा रानी की, ग्रंथ राज श्रीमद भागवत पुराण की, मां श्री महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद जो बाबा धाम बैजनाथ धाम से हमारे बीच आए हैं। जैसा कि गुरु जी के विषय में प्रारंभ में बताया गया कि पहले मुंबई में थे और परम पूजनाल गुरु जी के संग ही जितनी कथाएं होती थी उन कथाओं में गुरु जी साथ में रहते थे। उसके बाद गुरु आज्ञा वैष्णव की आज्ञा से अपने जन्म स्थान बैद्यनाथ धाम, जहाँ की भगवान शिव की नगरी, जहाँ पूरे विश्व से लोग जल लेकर जाते हैं बाबा बैद्यनाथ जी को अर्पण करने, ऐसे तीर्थ स्थान से प्रभु जी हमारे बीच आए हैं भगवा क्षेत्र में प्रथम बार। तो हम हृदय से प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे। बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज के जो उद्गार हैं, प्रहलाद महाराज के जो वचन हैं अपने सहपाठी अपने मित्र भक्तों को, जो प्रहलाद जी ने उपदेश दिया उस उपदेश को हम लोग यहाँ भागवत के माध्यम से श्रवण किए। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महामंत्र बोल कर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो प्रभु जी का विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि कल रात्रि को, कल शाम को निकले हैं वहां से बैद्यनाथ धाम से, पूरा रात सफर किए हैं और जैसे ही प्रभु जी आए हमारे बीच तुरंत डॉक्टर विश्रमदास प्रभु जी के स्नान करके फटाफट हम लोगों को भागवतम क्लास सुनाने के लिए विश्राम भी नहीं किए और हम लोगों के बीच आकर भागवतम क्लास सुनाए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को प्रभु जी के द्वारा संगीतमय राम कथा का आज आयोजन हुआ है बैजूलाल मंदिर पुराना चौक, जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रत्येक रविवार को सत्संग होता है, रविवार सत्संग। तो आज प्रभु जी के द्वारा, रूपानंद दास प्रभु जी के द्वारा वहाँ बहुत सुंदर संगीतमय राम कथा होगी। अभी अभी रामनवमी का अवसर बीता है तो प्रभु जी की इच्छा थी कि राम कथा हो वहाँ, तो बहुत सुंदर राम कथा सामने है। सभी से निवेदन है वहाँ समय से पहुंचिए और भजन कीर्तन कथा का आनंद लीजिए। उसके बाद कथा के बाद बहुत सुंदर समा है वहाँ, चोर को मिला चित्त चोर, उसके बाद सभी के लिए महा महाप्रसाद है और सभी साधन आमंत्रित है शाम के राम कथा में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, गंगा शिव भागवतम की, समस्त वैष्णव वृंद की, आप सब भक्तों की।